ससुराल आने के बाद माँ और पापा को भूल गई ना तुम? ये देखो, दादी ने खास तुम्हारे लिए हलवा दिया है। थैंक यू माँ। अरे पगला गए हो क्या तुम सबके सब? दिखता नहीं है किसी भी रास्ते चलती को अपनी बेटी बना लोगे क्या? चुप रहो तुम। अब तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी बेटी कौन है और कहां है। हम इसके मां बाप हैं और उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते। चाची आप क्या कर रही हैं? आप इसको भूमि समझ रही हैं? क्योंकि क्योंकि ये भूमि है। माफी मांगो। नहीं, अच्छा वह खुद ही जा रही है घर, नहीं तो हमें फालतू के लिए धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता, अपने हाथ खराब करने पर। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? भूमि 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 बेटा क्या कर रही है? भूमि बस बस, ये क्या कर रही है तू? मैं ठीक हूं। बहुत बड़ी नौटंकी है ये। हमने कुछ नहीं किया है, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों कर रही है तू ये सब? चुप। इंस्पेक्टर देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, हम बेगुनाह हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है। जब तक विक्टिम अपना केस खुद वापस नहीं ले लेता, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है इनसे। मैं तो बस अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मानती ही नहीं कि मैं भूमि हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार टूटे। अगर ये मुझसे और मेरे परिवार से माफी मांग ले तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। हम किसी से कोई माफी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, फिर आप इन्हें गिरफ्तार कर लो इसे। हथकड़ी खोलेंगी तो हम माफी मांग लें सबसे। गलती हो गई हमसे, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। घरवाले चाहे जो भी सोचे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सबको बेवकूफ बना सकती, पर हम बहुत चालाक हैं। हम इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाले नहीं है। अरे, जो लड़की आकर हमारे घर पर कब्जा कर सकती है, वो अगर अगर हमारे बिजनेस में घुस गई तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते।